अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू वली सेवन टीवी दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं दो स्मॉल बिजनेस आइडिया के साथ दो स्मॉल मशीन के बारे में बताने जा रहा हूं और ये ऐसे मशीन हैं जो आप अपने घर पे इंस्टॉल कर सकते हैं ना तो आपको कोई ख़ास जगह रेंट पे लेने की जरूरत है और ना कोई आपको हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है ये मशीन सिंगल फेज़ मशीन है इट्स मीन के ये आपके घर की ही बिजली पे चलेंगे और इन मशीनस को ख़रीदने के लिए इनकी लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ये मशीन इंटरनेशनल आप लिंक के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं ये आपके घर पहुंच जाएंगे बट उस पर कस्टम टैक्स लागू होगा अगर आप पाकिस्तान से सिमिलर मशीन खरीदना चाहते हैं तो उसका भी कॉन्टेक्ट मैं इसी वीडियो में दे दूंगा मैंने अभी एक व्लॉगिंग चैनल बनाया है वली अख्तर के नाम से प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करें लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो चलते हैं इस अमेजिंग सफर की तरफ अगर आपने अभी तक वली सेवन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली ये नेक काम भी करके हमारे साथ जुड़े रहें फ्यूचर में भी आपको ऐसी ही वीडियो देखने को मिलेंगी नंबर टू बिस्किट मेकिंग मशीन दोस्तों बिस्किट के बारे में तो आप सब जानते हैं कि बिस्किट कितना चलता है और ये कितना वेल्यबल प्रोडक्ट है ये आपको हर शॉप पे इजीली मिल जाता है और इसकी डिमांड हर वक्त हाई रहती है और लोग इसको खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि बिस्किट सेहत के लिए हेल्दी होता है इसलिए इसकी डिमांड हमेशा हाई रहती है और बिस्किट की जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है तो ये बिजनेस फ़ौर से चलने वाला बिज़नेस में से एक बिजनेस है आज के इस महंगाई के दौर में कितने अनएम्प्लॉयड हैं ऐसे ऐसे ग्रेजुएट लोग डिग्रियां लेकर सड़कों पर धक्के खा रहे हैं इनको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही है बट इसमें हमारा अपना कसूर भी है क्योंकि हमारे माशरे में ज़्यादातर लोग एजुकेशन भी इसलिए हासिल करते हैं कि उनको कहीं सरकारी नौकरी मिल जाए और काम भी करना ना पड़े और मंथली सैलरी आती रहे इसलिए आज हमारा मुल्क दुनिया के मुकाबले में ग़रीब है क्योंकि हम मेनुफैक्चर नहीं बनते हैं और नौकर बनना पसंद करते हैं इसलिए हमारी कंट्री में मेनुफैक्चरर्स कम हैं और नौकर ज़्यादा हैं तो ये मेन वजह है इस मुल्क की गरीबी की अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मैनुफेक्चरर बन गए तो आप बहुत सारे लोगों को जॉब दे सकते हैं हमें अपने माइंड सेट जॉब से निकालने हैं और अपना माइंड सेट मैनुफेक्चरिंग पर लगाना है तभी इस मुल्क में रोजगार भी बढ़ेगा और खुशहाली भी आएगी और ये बात याद रखें हर काम लोग स्टार्ट अपने घर से ही करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ता जाता है एकदम से आप कभी भी बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं खैर ये तो थी चंद मोटिवेशनल बातें अब बात करते हैं मशीन की और इससे बिजनेस कैसे किया जा सकता है तो दोस्तों बिस्किट का बिजनेस करना बहुत ही इजी है ये जो ऑटोमेटिक मशीन आप देख रहे हैं यह इलेक्ट्रिक सिंगल फेज मशीन है इट्स मीन के इसको कोई हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है ये मेड फॉर होम मशीन है ये आपके घर के ही बिजली से चलता है इसको आप अपने घर पर किसी भी रूम में इंस्टॉल करके ऑपरेट कर सकते हैं ये इको फ्रेंडली मशीन है जिसमें कोई भी शोर नहीं होता है इसमें आप मल्टीपल डिजाइन के बिस्किट बना सकते हैं और इसकी मज़े की बात यह है इसमें आपको कस्टम डाई एडजस्टेबल फ़ीचर भी मिलता है इट्स मीन कि इसमें आप अपनी मर्जी की डाई बनवा कर लगा सकते हैं अब बात करते हैं इसकी प्रोडक्शन स्पीड की तो ये पर आवर छः मन खाम माल प्रोड्यूस करता है जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं इसके साथ आपको एक और मशीन की ज़रूरत पड़ेगी जो बिस्किट को पकाता है इसकी लिंक भी मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा दरअसल बिस्किट पकाने के लिए एक और बड़ा मशीन चाहिए होता है बट मैं आपको एक जुगाड़ दिखाता हूँ ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसको अवन कहा जाता है इसके थ्रू आप बिस्किट पका सकते हैं ये एक्चुअली घर के लिए होता है इसमें मीट ब्रेड वगैरह पकाते हैं इसकी मदद से आप अपना काम चला सकते हैं और ये इतना महंगा भी नहीं होता है इसको आप बारह हजार छः सौ रुपये में और बड़े मशीन को पाँच सौ डॉलर में परचेज़ कर सकते हैं जो पाकिस्तानी एटी वन थाउजेंड रुपये बनते हैं नंबर वन कैंडल मेकिंग मशीन दोस्तों मोमबत्ती का बिज़नेस भी बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है और मोमबत्ती मैन्युफैक्चर करना भी बहुत ही इजी है कैंडल बनाने के लिए आपको कोई मशीन की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप बिल्कुल छोटे लेवल पर काम करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक सांचे की जरूरत है और सांचा आपने खरीदना है जो आपकी कैंडल को शेप देगा और बाकी का जो वर्क है वो आप अपने घर के बर्तनों की मदद से कर सकते हैं कैंडल बनाने के लिए एक केमिकल होता है जिसे प्राफिन वैक्स कहा जाता है जिसे गर्म करके लिक्विड बनाना होता है तो इसको आप अपने घर के किसी भी बर्तन में गर्म कर सकते हैं यह वैक्स आपको किसी भी सिटी से ईजिली मिल जाएगा दो से लेकर दो रुपए तक इसका किलो मिल जाता है और इसके अलावा आपको मोमबत्ती का धागा चाहिए होगा क्योंकि धागे के बिना तो मोमबत्ती जलेगी ही नहीं और यह धागा आपको 300 से लेकर 350 के दरमियान में किलो मिल जाएगा ये एस्टिमेटेड रेट है इलाक़े के हिसाब से रेट चेंज भी हो सकता है तो ये इसका रॉ मटेरियल है बट अगर आप थोड़ा सा कमर्शल लेवल पर काम करना चाहते हैं तो आपको ये मशीन बाई करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको कैंडल के बिजनेस के बारे में बताता चलूँ बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आज के ज़माने में कैंडल कौन इस्तेमाल करेगा लेकिन कैंडल सिर्फ रोशनी के इस्तेमाल नहीं किया जाता है कैंडल आजकल एज ए डेकोरेशन पीस भी इस्तेमाल किया जाता है और कैंडल के बिजनेस में एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है गोरे लोग इसको स्ट्रेस कम करने के लिए भी यूज़ करते हैं इसके अलावा ये रेस्टोरेंट होटल्स बर्थडे इस तरह के डिफरेंट फंक्शन में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है अगर इस बिज़नेस को आप स्टार्ट करते हैं बिलीव में आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप स्टार्टिंग में कोई भी बड़ा मशीन ना ख़रीदें सिर्फ ये एक सांचे को ख़रीदें जिस पे आराम आराम से कैंडल बनाएं और मार्केट में उतार दें जब आपको फुल एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपको लगे कि अब मैं मशीन ख़रीद सकता हूँ और अच्छी तरह मार्केटिंग भी कर सकता हूँ तब आप ये मशीन ख़रीदें अब इस मशीन की स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं ये आटोमेटिक डिजिटल मशीन है इसमें आपको सिर्फ़ खाम माल डालना होता है यह खुद ब खुद उसको पिघलाकर लिक्विड बना देगा और इस पाइप के जरिए लिक्विड को सांचो में डाल देता है और इसको ऑपरेट करने के लिए इस पर डिजिटल स्क्रीन भी लगी हुई है इसको आप वायरलेसली भी कंट्रोल कर सकते हैं इट्स मीन की आप टी की तरह रिमोट से इसको कंट्रोल कर सकते हैं इसको आप तीन सौ में खरीद सकते हैं जो पाकिस्तानी पचास हजार बनते हैं अगर आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी आइकन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा शायद किसी को इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके आज के लिए बस इतना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़